अभिनव का नाम लिया था बिंदुदारा सिंह ने भी। और जब राहुल वैद्य उनसे पूछते हैं कि आपने किसका नाम लिया और क्यों लिया, तो उन्होंने अभिनव का नाम बताया और कहा इट हैज अ बिगर रीजन। क्या था उनका बिगर रीजन, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। कहीं ना कहीं ये शुरू से हम लोग सुन रहे हैं कि रुबीना अभिनव को एक एडवांटेज है, वो लोग साथ में हैं, एज अ कपल शो में आए हैं, और एज अ कपल तो फिर उनको मेंटल सपोर्ट भी है। तो इसी चीज को कम करके रुबीना को एक फेयर विनर बनाने के लिए कहीं ना कहीं बिंदु दारा सिंह ने ये कदम उठाया है। उनका ये मानना है कि अगर अभिनव इस घर से अभी चले जाते हैं तो कम से कम रुबीना विल गेट अ चांस टू फाइट ऑन हर ओन फॉर द रिमेनिंग डेज, और ऐसे में वो इक्वलाइज हो जाएंगी सभी के साथ, यानी कि उनका सभी के साथ एक सिमिलर लेवल हो जाएगा, और तब अगर वो विनर बनती है तो वो एक ग्लोरियस विन होगी। हालांकि अब आप लोग इसमें कितना बिलीव करते हैं वो तो ऑब्वियसली आप लोग जनता हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन बिंदु दारा सिंह की यही अप्रोच थी कि ही वांटेड टू सी रुबीनाज गेम प्ले फॉर द लास्ट 10 डेज, एंड ऑल्सो ही वॉन्टेड टू सी रुबीना विंस, शी शुड विन अलोन, शी शुड नॉट हैव अभिनव बाय हर साइड, बिकॉज फिर वो अनफेयर हो जाता बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, इसलिए वो एक फेयर ग्राउंड बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब इसमें हाउ कैन बिंदु बी यू नो क्रिएटिंग अ फेयर ग्राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली जब दोनों को साथ में ऑफर गया था तो दिस शुड हैव बीन थॉट बिफोर हैंड, जब बिग बॉस ने ऑफर दिया था, या दिस शुड हैव बीन थॉट बिफोर अभिनव वॉज गेटिंग सो मेनी वोट्स और अभिनव को इतना प्यार मिलने लगा था। तो आपको तभी सोचना चाहिए था कि अभिनव अगर अच्छा खेलते हैं तो ही विल हैव हिज शेयर इन द शो, तो आप ये फेयर या अनफेयर का टैग नहीं लगा सकते उन पर या रुबीना पर। हालांकि आप लोग क्या कहते हैं, बिंदु का रीजन सही था या इट वॉज जस्ट रीजन, आज ये बता दीजिए हमें कॉमेंट सेक्शन में, हमारे साथ जुड़े भी रहे क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।